मानने वाले और ना मानने वाले में क्या फर्क है? यानी एक वो है जिन्होंने उसी कह सकने हैं कि वो मनन वाले ने, दूसरे वो हैं जो के नहीं मानने वाले, वो उनके जेन में पहले होता है कि नहीं मैं क्यों मना, मेरी मर्जी जी, मैं नहाऊं ना नहाऊं, वो एक गाना है ना जो मेरी मर्जी। पेरेंट्स की बात मानना पहला फ़र्ज़ है, लेकिन चूंकि पेरेंट्स को थोड़ी रहनुमाई की ज़रूरत होती है अनेबलिंग के हवाले से और प्रोवोकिंग के हवाले से, पेरेंट्स के अंदर कुदरती टेंडेंसीज होती हैं अनेबलिंग करने की और प्रोवोकिंग करने की, तो हम लोग बीच में आ जाते हैं कि भाई प्रोवोकिंग ना करें अनेबलिंग भी ना करें, और ये हमारा एक रोल बन जाता है, रोल निकल आता है, जो कि घर में चूँकि टसल हो रही होती है और बात कहीं किसी किनारे लग नहीं रही होती पेशेंट के दरमियान और फैमिली मेम्बर्स के दरमियान, तो आखिरकार वो बीच में हमें शामिल करते हैं कि चलो फिर ना तुहाड़ी गल ना साड़ी गल, मतलब ये इस इन बिटवीन को बीच में किसी को डाल लेते हैं। जहाँ तक अपने पैसों की बात की कि मेरी अपनी सैलरी में से मैं पैसे खर्च नहीं कर सकता क्योंकि मेरे वालदैन बीच में आ जाते हैं, और चूँकि वो प्यार करते हैं और चूँकि मेरे वालदैन हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं, हकीकत यह है कि मानने वाला फला पाएगा। हमेशा दुनिया में मानने वाले और ना मानने वाले के दरमियान जब भी आप रिसर्च करेंगे, जो मानने वाला है वो फला पाएगा। किसकी मानने वाला? माँ बाप की मानने वाला, अपने टीचर की मानने वाला, अपने बॉस की मानने वाला, और क्लाइंट्स की मानने वाला। मानने वाला फला पाएगा और जो नहीं मानने वाला वो नुकसान उठाएगा। सबसे पहले माँ बाप की, उसके बाद स्कूल टीचर की मान लें, उसके बाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की मान लें, फिर रिहैब में काउंसलर की मान लें, या जिस अदारे में आप काम करते हैं वहाँ सीईओ की मान लें, और मस्जिद में जाएं तो इमाम मस्जिद की मान लें। मानने वाला ही फला पाएगा, मानने वाला। जो नहीं मानने वाला उसका पता नहीं, या तो फिर वो बहुत साइंसदान हो, अब्दुल कदीर खान हो, तो तब वो चाहे ना भी माने, लेकिन वो भी नहीं माना था तो उसका भी बहुत बुरा हाल हुआ। उसको भी कहा था मान जाओ, उसने नहीं माना, जिससे कि बहुत मुश्किलात उसके लिए पैदा हुई, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हुई। मानने वाला, सलाह लेने वाला जो है वो फ़ायदेमंद रहता है, ये है सिंपल सी बात। दिल तो करता है ना अपनी मर्ज़ी करने को, लेकिन बाज़ औक़ात अपनी मर्ज़ी करने की बजाय अब्बा की मर्ज़ी ज़्यादा बेहतर होती है, और अगर अब्बा की मर्ज़ी पे शक हो तो अब्बा और काउंसलर मिल के कोई बात कर लें, जिनका प्रोफेशन हो, जिन्होंने इन चीज़ों पे कुछ तजर्बा हासिल किया हो। हमने जो कुछ भी सीखा है ज़्यादातर पेशेंट से सीखा है, क्योंकि वो किसी वक्त कोई ना कोई हमारे साथ, उनका रिलेशनशिप इस दर्जे को पहुंच जाता है कि वो हमारे साथ दिल की बातें करने लगते हैं, हंसने खेलने लगते हैं, दिल की बातें करने लगते हैं, और आप सब किसी ना किसी दर्जे पर हमारे उस्ताद की हैसियत अख्तियार कर जाते हैं। हमें पता चल जाता है कि अच्छा असल बात जो है वो ये, नशे का मरीज़ होने का मतलब ये नहीं कि आप में कोई जहानत नहीं है, आप में जो लिक्विड इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है, लिक्विड इंटेलिजेंस, इसको क्रिस्टलाइज्ड करने की ज़रूरत होती है, इसको ठीक ठाक ठोस इंटेलिजेंस बनाने की ज़रूरत होती है, जो कि एफर्ट मांगती है, जो कि तब्दीली मांगती है। नशा करना जो है ये बड़े ज़हीन लोगों का काम है, बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखा। बेवकूफ़ को कौन करने देता है नशा? इसके लिए तो चतर चलाक होना बहुत ज़रूरी है। तो जिनकी लिक्विड इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है वो नशा करते हैं, और जिनकी सॉलिड इंटेलिजेंस या क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है वो नशा छोड़ते हैं। क्या कोई इस बात को एक्सप्लेन करेगा कि नशा करने के लिए आपको लिक्विड इंटेलिजेंस चाहिए? हाथ के हाथ, ए लो,
नशा करते रहना है तो लिक्विड इंटेलिजेंस काम आती रहेगी, जुगाड़ काम आते रहेंगे, झूठो झूठ छताली चलता रहेगा। लेकिन अगर नशा छोड़ना है तो फिर आपको स्किल सीखनी पड़ेगी, एविडेंस बेस्ड चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, साइंटिफिक नॉलेज चाहिए, फिर आपको गूगल पे आना जाना रखना होगा, फिर आपको यूट्यूब पे जाना होगा, इसकी बात सुन, उसकी बात सुन, उसके अंदर तजिया करने की ज़रूरत होगी, तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, और जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलता है।